नमस्कार, जीवन रास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आई नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर बाड़मेर जिले के गुड्डा मालानी से, जहां तहसील कार्यालय के सामने चल रहे किसानों का महापड़ाव सातवें दिन भी जारी रहा। किसानों ने महापड़ाव में आने को क्षेत्र में प्रसार प्रचार तेज कर भारी आक्रोश जताते नजर आ रहे हैं। किसानों के महापड़ाव में दिनों दिन किसानों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि युवा किसान नेता कृष्ण कुमार कलवी ने बताया कि किसान नष्ट हुई फसलों को लेकर सरकार से मुआवजा का लगातार मांग कर रहे हैं। सैकड़ों किसान आज मंगलवार को सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश जताया एवं कहा कि गत दिनों में बेमौसमी बारिश व मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों व खराब हवामान के चलते गुड्डामालानी ही नहीं संपूर्ण जिले में मौसम के प्रति नाजुक जीरा फसल का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। किसानों की एकमात्र कैश क्रॉप के संपूर्ण नष्ट होने से किसान आहत है और हजारों किसान सदमे में है। इसलिए गिरदावरी व नुकसान का सर्वे करवाकर जीरा फसल को आपदा प्रभावित की घोषणा की जाने की मांग की। महापड़ाव में संभाग प्रसार प्रमुख प्रहलाद सियोल, प्रदेश अध्यक्ष दल्लाराम चौधरी, प्रांत उपाध्यक्ष हरिराम मांजू, जिला अध्यक्ष दुर्गाराम बाड़मेर, जिला उपाध्यक्ष जगराम, जिला मंत्री लादूराम सेड़वा, पूर्व प्रधान धोरीमन्ना ताजाराम चौधरी, युवा किसान नेता कृष्ण कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष खेताराम सियाग, हरदाराम छगन प्रजापत सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। गुड्डा मालानी से जोगेंद्र आचार्य की विशेष रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिला युवा प्रमुख, आज भारतीय किसान संघ के बैनर पे धरना चल रहा है। सातवां दिन है, किसानों की अभी तक सरकार ने कोई सूझ नहीं ली है। अभी आगे हमारा भारतीय किसान संघ का किसानों के साथ में कोई समझौता नहीं हुआ तो कार्यालय SDM कार्यालय का घेराव रहेगा और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। अभी भारतीय किसान संघ का जो कृषि बीमा को लेकर है वो आज सातवां दिन धरना चल रहा है। आगे जो भी कदम उठाएंगे हम भारतीय किसान संघ की कमेटी बैठ के तय करेंगे और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।